गंदे लोग, लोगों के सड़े हुए दांत साफ कर लूंगी, इसमें हाथ डाल लूंगी, लेकिन उस पे हाथ नहीं डालना। आप पर्सनल लाइफ्स में कमेंट करना या घुसना मत, क्योंकि सब अनजान लोग हैं, तो पर्सनल बिल्कुल नहीं जाना है, परिवार तक बिल्कुल नहीं जाना है। जो आपको किसी पे जिल्लत ढानी है, वो सलमान सर की मेंटरशिप मिले, उनकी होस्टिंग मिले, उनसे रूबरू होने का, उनको देखने का मौका मिले, बहुत बड़ी बात है। इसको एक ब्लेसिंग की तरह लो और हर पल क्या कहना है, क्या सोच कर आप जा रहे हो बिग बॉस या ओटीटी सेकंड सीजन में, क्या सोचा है आपने? तो मैंने सोचा है कि मुझे जीत कर आना है, लोगों के दिलों पर राज करना है और सोलो खेलना है, एक सोलो वुल्फ की तरह। तो अगर आपको बिग बॉस करना ही था तो फिर व्हाई ओटीटी, व्हाई नॉट थोड़ा और इंतजार करके हम टीवी वाले बिग बॉस पर आपको देखते हैं? वेल, मुझे लगता है कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं होती है, और यहाँ से अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लो तो टीवी पर जाना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि मेरे घर आने वाली हर लक्ष्मी मेरे लिए कीमती है। ओके, इसके पहले भी हम आपके डैड को देख चुके हैं, काफ़ी बार वो बिग बॉस में गए हैं, तो उन्होंने जाके लोगों को इनफैक्ट कहा भी है किस तरीके से उनकी जो भी हैं कार्ड्स उनको बताते हैं। सो क्या लगता है आपको कि ये साल जब आप जा रहे हो तो ये जो आपका कार्ड है ये राइट कार्ड है, क्या कुछ कहा आपके पिताजी? ये साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली एवर सिंस मार्च हैज हिट। तो मुझे लगा कि जब वक्त अच्छा चल रहा है तभी लोहे पर हथौड़ा मारते हैं, और मेरे पापा को भी लगा कि अच्छा जाएगा वक्त, क्योंकि पहला उनको मैंने बताया नहीं था, अभी 3 दिन पहले पता चला है, जब सब कुछ हो चुका है और घर में जाने के लिए अभी जिटर घंटे गिन रहे हैं हम कि कब घर में एंट्री करनी है, अब जाकर मैंने पापा को बताया है। बट उनका रिएक्शन बहुत खुश था, और ही हैड अ सेंस ऑफ प्राउडनेस इन हिमसेल्फ। तो बस वो एक उनका रिएक्शन देखकर मैं समझ गई अपना वक्त अच्छा निकलेगा। एग्जैक्टली, एंड घर के अंदर जाने से पहले ना हर कंटेस्टेंट के कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होती है, कुछ ना कुछ उनके वीकनेस भी होते हैं, कि एक टाइम तो वो खुद को कंट्रोल भी कर लेते हैं, इनकी गुस्सा ना दिखाएं, प्यार मोहब्बत से चीज़ें हो जाएं, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आता है जब वो चीज़ें अलग हो जाती है, बिलो द बेल्ट कुछ है, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट चले जाते हैं, तो उस वक्त पर आप किस तरीके से घर में फेस करोगी, खुद पर कितना गुस्से को कंट्रोल कर पाओगी, एंड कब आप ब्लास्ट होगी, आपके हाईज एंड आपके लोज क्या है? वेल, आई विल बी एट माई वर्स्ट इफ एनीबडी ट्राइज टू गेट पर्सनल और गो टू माई फैमिली, क्योंकि मैं उस मामले में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती। आप आए हो कंटेस्टेंट की तरह, आपस में आप कंपीट कीजिए, आपको जीतना है, आप जीतने की चाह रखिए, खेलिए और घर चले जाइए। आप पर्सनल लाइफ्स में कमेंट करना या घुसना मत, क्योंकि सब अनजान लोग हैं, तो पर्सनल बिल्कुल नहीं जाना है, परिवार तक बिल्कुल नहीं जाना है। जो आपको किसी पे जिल्लत ढानी है वो आपसी करिए, पर्सनल मत जाइए। तो वो चीज़ है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो सकती हूँ, और मेरा एग्रेशन पैसिव है, बिल्ड होते 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 किसी दिन बबूला फूटता है, तो मुझे ट्रिगर करना इतना आसान नहीं है। ओके, लेकिन अगर किसी और को ट्रिगर करना रहेगा तो वो आपके लिए कितना आसान? वो तो बहुत आसान है, मैं ह्यूमर का माध्यम चुनती हूँ लोगों को ट्रिगर करने के लिए। कभी कभार तो उनको पता भी नहीं चलता कि मैं उनको ट्रिगर कर रही हूँ, क्योंकि वो एंजॉय कर लेते हैं, तो वो भी मुझे एक एडवांटेज लगता है कि आप एक पॉजिटिव मैनर में इंसान को सबक भी सिखा रहे हो और साथ साथ एंटरटेन भी कर रहे हो। कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं आपके, आई एम श्योर नाम तो काफी सारे रहेंगे, जिसमें सब कुछ लोगों को पहचानते भी रहोगे जो आपके साथ ये सीजन इस घर में जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से पहले से दोस्त हैं क्या कोई आपके जो इस सीजन में आपके साथ रहेंगे? कोई नहीं है, आई डोंट नो एनीवन, आई लिटरली डोंट नो एनीवन ऑन अ पर्सनल नोट, और आई हैव नॉट इवन इंटरेक्टेड, मैंने कभी किसी की प्रोफाइल भी मुश्किल से देखी होगी इंस्टा पे, तो ये सब नयापन है, और देखेंगे ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी कितनी दूर हमें ले जाते हैं। सपोज किसी के साथ घर के अंदर आपकी काफी अच्छी दोस्ती बन गई और बाद में वही इंसान अगर आपका कॉम्पिटिटर निकला, तो तब आप कैसे सिचुएशन टैकल करोगे? वेल, एज अ कॉम्पिटिशन आपको ऑफकोर्स खेलना ही होगा और आपको विनिंग की तरफ ही सोचना होगा। मैं नरम दिल हूँ और ऐसे हो चुका है मेरे साथ लाइफ में कि मेरे दोस्तों के साथ ही मेरा कॉम्पिटिशन रहा है और मैं आई लेट देम विन, बट मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना है, तो वहाँ मुझे अपनी नरम दिली को सख्त बनाना है और मुझे खुद के बारे में पहले सोचना है, क्योंकि सेल्फ लव इज व्हाट इज नेसेसरी नो मैटर व्हाट। ओके, एंड ये सीजन सलमान खान खुद होस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सलमान खान की एक तो होस्टिंग के बारे में क्या कहना है? अरे वंडरफुल, उनसे बेटर मेंटर इस दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता है। आपको सलमान सर की मेंटरशिप मिले, उनकी होस्टिंग मिले, उनसे रूबरू होने का, उनको देखने का मौका मिले, बहुत बड़ी बात है। इसको एक ब्लेसिंग की तरह लो और हर पल कैप्चर कर लो अपने सोल के अंदर। राइट, एंड सेकंड पार्ट क्या लगता है आपको, हर सीजन हम देखते हैं कोई ना कोई कंटेस्टेंट उनके गुड बुक्स में आ जाता है और कोई ना कोई कंटेस्टेंट की वो क्लास जरूर लेता है, तो आपको क्या लगता है आप कौन से वाले होंगे?
वो तो मुझे गुड बुक्स में ही आना है उनके, लेकिन अगर मेरी किसी हरकत पे वो मेरी क्लास ले भी ले तो भी मुझे एतराज है, क्योंकि मुझे तो वो बेहतर इंसान ही बनाएंगे ना। राइट। और घर का ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना नहीं पसंद? जैसे कि बाथरूम मत साफ करवाओ मुझसे गंदे लोग, लोगों के सड़े हुए दांत साफ कर लूंगी, इसमें हाथ डाल लूंगी, लेकिन उस पे हाथ नहीं डालना, मैं खाना बना लूंगी। खाना बनाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से आता है। मेरी मम्मा ने मेरे को रोटियाँ बेलना सिखाया है अर्ली एज में, तो वो मैं कर लूंगी। बाथरूम वाथरूम मैं नहीं करने वाली, पोछा भी नहीं करूंगी, बर्तन घस लूंगी। क्या कुछ आपको जो है एक्स कंटेस्टेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स वो लोग ने इसके क्या सजेशंस, क्या एडवाइसेस आपको मिल रही है कि घर के अंदर जाके कैसे रहना, कैसे खेलना? वेल, मैं मिलने वाली हूँ, आज ही मिलने वाली हूँ एक एक्स कंटेस्टेंट से, और OTT की कंटेस्टेंट थी वो, और आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, बट शी इज़ डूइंग फैंटेबुलस नाउ एवर सिंस शी इज़ कम आउट ऑफ द हाउस। और हाँ, मैं उससे जाके काफ़ी कुछ सीखने वाली हूँ, बिकॉज आई वांट दैट, आई वांट समवन जिन्होंने ये तिगड़म खेला है और मुझे रियलिटी चेक दे पाए, तो वो आज करूँगी मैं। तो अभी नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है? मैं खुश हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और नर्वसनेस ये हो रही है क्योंकि सब पूछे जा रहे हैं खेल क्या है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है। मैं तो स्ट्रैटेजी सोचा ही नहीं, अब बैठ के सोचूंगी। अब रियलिटी चेक मिल रहा है कि जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, वैसे आंखों पर से पर्दा हट रहा है मेरे। ओके, तो अब तक का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था आपका? MC Stan। ओके, एंड वेल, इसके अलावा क्या कुछ मैसेज और देना चाहते हैं आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं आप के बीच से उभरी हूँ और सबसे कॉमन हूँ, सबसे रिलेटेबल हूँ, और आपका दिल भरकर मनोरंजन करूँगी, और मैं ये ट्रॉफी जीतना चाहती हूँ, मैं बिग बॉस का ये सीज़न जीतना चाहती हूँ। आप सबका सपोर्ट और प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ डू वोट फॉर मी, और धमाल मचाएंगे, कहर मचाएंगे, और आप सबके दिलों पर राज करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द हाउस। थैंक यू।